नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज योर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। हर जगह ऐसा नहीं होता है। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एक्चुअल वॉल्यूम फ्लो रेट एट द एंट्री ऑफ द कंप्रेसर टू द थ्योरेटिकल स्वेप्ट वॉल्यूम, टू द थ्योरेटिकल स्वेप्ट वॉल्यूम। तो देखिए क्या होता है, जो ईटा वी होता है इट विल बी एक्चुअल वॉल्यूम फ्लो रेट एट द एंट्री ऑफ द कंप्रेसर टू द थ्योरेटिकल स्वेप्ट वॉल्यूम, टू द थ्योरेटिकल स्वेप्ट वॉल्यूम। तो जो एक्चुअल वॉल्यूम क्या होता है, एक्चुअल वॉल्यूम फ्लो रेट, देखिए वो क्या होता है, एक्चुअल वॉल्यूम फ्लो रेट एट द एंट्री ऑफ द कंप्रेसर विल बी इक्वल्स टू मास फ्लो रेट ऑफ द रेफ्रिजरेंट मल्टीप्लाई विद स्पेसिफिक वॉल्यूम एट द एंट्री ऑफ द कंप्रेसर, स्पेसिफिक वॉल्यूम एट द एंट्री ऑफ द कंप्रेसर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। नाउ कम टू द थ्योरेटिकल स्वेप्ट वॉल्यूम, थ्योरेटिकल स्वेप्ट वॉल्यूम। तो अगर कहीं नाम आ जाता है थ्योरेटिकल स्वेप्ट वॉल्यूम तो उसका मतलब क्या होगा कि आपका कंप्रेशर एक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर है। तो देखिए थ्योरेटिकल स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होता है, इट विल बी पाई बाय फोर डी स्क्वायर एल एन बाय 60 इंटू के इंटू के। तो देखिए यहां पर डी क्या है, डी है आपका बोर डायमीटर, क्या है बोर का डायमीटर है, सिलेंडर का इंटरनल डायमीटर है। L क्या है, L इज द लेंथ ऑफ स्ट्रोक, L इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रोक, याद करो IC इंजन। उसके बाद है N, N इज द रेवोल्यूशंस पर मिनट। उसके बाद क्या है, K, K इज द नंबर ऑफ सिलेंडर्स, K इज द नंबर ऑफ सिलेंडर। तो यहां से विद द हेल्प ऑफ दिस टू वैल्यूज यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। सो द ईटा V, ईटा V विल बी इक्वल्स टू एम डॉट वी एंट्री डिवाइड बाय पाई बाय फोर डी स्क्वायर इंटू एल इंटू एन इंटू के डिवाइड बाय 60। सो दिस विल बी द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ द कंप्रेशर विच इज यूज इन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। यह फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या सर एक ही फॉर्मूला है, नहीं दो फॉर्मूले हैं। अगर ये फॉर्मूला नहीं दिया हो क्वेश्चन में, इससे रिलेटेड डाटा गिवन ना हो, तो सर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने के लिए दूसरा फॉर्मूला भी है, ठीक है, उस फॉर्मूले में हम यूज में लेंगे। देखिए ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस टू टू थ्री है, क्या हो रहा है, कंडेंसर में हो रहा है। सो दिस विल बी पी सी। जो फोर टू वन प्रोसेस है ये कहां हो रहा है सर, ये हो रहा है इवेपोरेटर में, दिस इज पी ई, दिस इज पी ई। अगर मैं बात करता हूं कौन सा प्रेशर ज्यादा है, कौन सा प्रेशर ज्यादा है बताइए, कौन सा प्रेशर ज्यादा है सर, पी सी ज्यादा है, तो इसको मैं लिख देता हूं पी एच। कौन सा कम है, पी ई कम है, दिस विल बी द पी एल। अब मैं आपको एक वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का दूसरा फॉर्मूला बताने वाला हूं, अभी के लिए आपको उसको याद करना पड़ेगा डायरेक्ट, वो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद करना है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का। उसकी वैल्यू क्या होती है वो मैं आपको बताने वाला हूं, दैट इज वन प्लस सी माइनस सी मल्टीप्लाई विद पी हायर डिवाइड बाय पी लोअर रेज टू पावर वन बाय एन। क्या बोला सर आपने, हमें समझ नहीं आया। देखिए ईटा वी इक्वल्स टू वन प्लस सी माइनस सी मल्टीप्लाई विद पी हायर डिवाइड बाय पी लोअर रेज टू पावर डिवाइड वन डिवाइड बाय एन। ध्यान रखना ये वन बाय एन है, एन नहीं है, ठीक है। सो पी हायर क्या है, पी सी, पी लोअर क्या है, पी ई। तो इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, ईटा वी वन प्लस सी माइनस सी पी सी डिवाइड बाय पी ई वन बाय एन। यहां तक क्लियर, बिल्कुल सर क्लियर है। अब आते हैं इनमें जो टर्म्स है वो क्या क्या है। अगर मैं बात करता हूं पी सी, पी सी इज द कंडेंसर प्रेशर, पी सी इज द कंडेंसर प्रेशर, कंडेंसर में प्रेशर कॉन्स्टेंट रहेगा। पी इज द इवेपोरेटर प्रेशर, इवेपोरेटर प्रेशर, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एन क्या होता है, एन होता है पॉलीट्रोपिक इंडेक्स, एन क्या होता है पॉलीट्रोपिक इंडेक्स, एन क्या होगा आपका पॉलीट्रोपिक इंडेक्स होगा। सी क्या होता है, सी होता है क्लियरेंस रेशियो, सी क्या होता है क्लियरेंस रेशियो, एंड द वैल्यू ऑफ द क्लियरेंस रेशियो विल बी ऑलवेज लेस देन वन। सो द वैल्यू ऑफ द सी विल बी ऑलवेज लेस देन वन। व्हाट इज द क्लियरेंस रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ द क्लियरेंस वॉल्यूम,
इट इज द रेशियो ऑफ द क्लियरेंस वॉल्यूम टू द स्वेप्ट वॉल्यूम, टू द स्वेप्ट वॉल्यूम। तो ये होता है आपका वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला। क्लियर है सर? हाँ सर बिल्कुल, यहाँ पर आपके चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी के दो फॉर्मूले होते हैं, दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ सकता है, दैट फॉर्मूला भी क्वेश्चन में आ सकता है। ध्यान रखना ये 1/n है, 1/n 1/n, यहाँ पर गलती हो सकती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज योर ड्राई कंप्रेशन वर्सेज वेट कंप्रेशन। हम वन पॉइंट को क्या कर रहे थे, ड्राई कर रहे थे, सेचुरेटेड पॉइंट पर ला रहे थे। अगर ये वेट रीजन में होता तो क्या होता, अगर ये वेट रीजन में होता तो क्या होता। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ ड्राई कंप्रेशन वर्सेज वेट कंप्रेशन की, वेट कंप्रेशन अगर हम करेंगे तो क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं, क्या क्या लॉस अकर हो सकता है इन योर कंप्रेशन। सो ड्राई कंप्रेशन वर्सेज वेट कंप्रेशन, बहुत इजी है, ड्राई कंप्रेशन वर्सेज वेट कंप्रेशन बहुत ही इजी है, ध्यान से इसको हमें समझने की कोशिश करनी है। देखिए मैं पहले ही बता चुका हूं सब कुछ किसका खेल है, टीएस डायग्राम का खेल है। सो दिस इज योर टीएस डायग्राम, टी एस ये आपका क्या है, इवेपोरेटर प्रेशर है, ठीक है, इवेपोरेटर प्रेशर। अगर हम करते हैं ड्राई कंप्रेशन तो लाइन कैसे जाएगी, ऐसे। सो दिस विल बी द आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, दैट इज ड्राई कंप्रेशन सेचुरेटेड पर। दिस इज योर पॉइंट नंबर वन, दिस इज से फॉर एग्जाम्पल पॉइंट नंबर टू, ठीक है। हाँ सर बिल्कुल ठीक है। अगर हमें करना है वेट कंप्रेशन तो कहाँ से जाएगी लाइन, सर यहाँ कहीं से जाएगी। सो दिस विल बी द वन डैश, दिस विल बी द वेट कंप्रेशन। से फॉर एग्जाम्पल आपका पॉइंट नंबर फोर था यहां पर, यह आपका था पॉइंट नंबर फोर। जब आप ड्राई कंप्रेशन कर रहे थे तो आपको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिल रहा था ये। सो दिस इज द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट व्हेन यू वर डूइंग ड्राई कंप्रेशन। लेकिन जब आपने वेट कंप्रेशन किया तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो गया, डिक्रीज। सो दिस इज द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट व्हेन यू वर डूइंग वेट कंप्रेशन। मतलब वेट कंप्रेशन करने से रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिक्रीज हो जाता है, और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिक्रीज होने का मतलब है इनकम्प्लीट इवेपोरेशन ऑफ द रेफ्रिजरेंट। मतलब आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो कंप्लीटली इवेपोरेट नहीं हुआ है, कंप्लीटली वेपर में कन्वर्ट नहीं हुआ है। मतलब उसमें अभी भी लिक्विड पार्टिकल हैं जो कि कंप्रेशर के अंदर जा सकते हैं। वेट रीजन का मतलब ही है लिक्विड प्लस वेपर। तो जब आप यहां से कंप्रेशन करना स्टार्ट करते हो तो आपके कंप्रेशर में लिक्विड पार्टिकल जा सकते हैं, और जब लिक्विड पार्टिकल जाएंगे तो वो लुब्रिकेंट को वॉश अवे कर देंगे, जिससे फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाएगा, वियर इंक्रीज हो जाएगा, और लिक्विड पार्टिकल आपके कंप्रेशर के वॉल्स को भी खराब कर सकते हैं। इसलिए हम कभी भी प्रेफर नहीं करते हैं कि वेट कंप्रेशन हो, हम ये इंश्योर करेंगे कि कम से कम यहां तो पहुंचे, इससे ऊपर होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कम से कम यहां जरूर होना चाहिए ताकि आपके कंप्रेशर को कोई भी नुकसान ना हो। इसीलिए सिंपल VCRS में हमने पहली एजम्पशन यही ली थी, एंट्री टू द कंप्रेशर इज फ्रॉम द सैचुरेटेड वेपर। सैचुरेटेड वेपर से ही हम क्या करेंगे, कंप्रेशर में एंट्री देंगे, क्योंकि अगर हमने वेट रीजन से एंट्री दे दी तो बहुत ही नुकसान है। पहले तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिक्रीज होगा और फिर कंप्रेशर खराब होगा, और कंप्रेशर खराब होने का मतलब है कि जो आपकी कॉस्ट होती है रेफ्रिजरेशन सिस्टम की, उसमें सबसे ज्यादा कॉस्ट कंप्रेसर की ही होती है, सबसे ज्यादा कॉस्ट कंप्रेशर की होती है। अगर कंप्रेशर खराब हो जाता है तो नया कंप्रेशर लगाने के बाद भी वो इतना सूटेबली वर्क नहीं करेगा जितना पुराने वाला कर रहा था। तो कंप्रेसर का हमें बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। इसलिए हम क्या चाहेंगे, हम चाहेंगे कि कम से कम सैचुरेटेड से हो ही हो, अगर इससे बाहर भी होता है ना तो बहुत अच्छी बात है। सो दिस इज योर ड्राई कंप्रेशन वर्सेज वेट कंप्रेशन। यहां तो कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल सर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इफेक्ट ऑफ द वेरियस पैरामीटर्स ऑन VCRS। VCRS पर डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स का क्या क्या इफेक्ट होता है। सब खेल किसका है, टीसी
है, टीएस, टीसी नहीं, टीएस का है। सब खेल किसका है बोलिए, टीएस डायग्राम का है। सो इफेक्ट ऑफ, इफेक्ट ऑफ वेरियस पैरामीटर्स, कहने को ये चार ही पैरामीटर है। डायग्राम से पूरा समझ आ जाएगा, रटना बिल्कुल नहीं है। वेरियस पैरामीटर्स ऑन VCRS, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम पे डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स का क्या क्या इफेक्ट होता है। सबसे पहला पैरामीटर मैं ले रहा हूं, सबसे पहला पैरामीटर मैं ले रहा हूं, इफ इफ कंडेंसर प्रेशर इंक्रीजेस, अगर हम कंडेंसर प्रेशर को इंक्रीज कर दें तो क्या होगा, अगर हम कंडेंसर प्रेशर को इंक्रीज कर दें तो क्या होगा। पहले अगर हम इंक्रीज का देख लेंगे तो उसका ठीक अपोजिट होगा डिक्रीज का। तो बिल्कुल बनाइए सबसे पहले कौन सा डायग्राम, टीएस डायग्राम। मन में ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाएंगे ना ये वाले, इनको मन में मत सॉल्व कर लेना, इमेजिनेशन में टीएस डायग्राम बना लिया, इमेजिनेशन में अगर टीएस डायग्राम बना लिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको टीएस डायग्राम रफली बनाना ही पड़ेगा, रफली आपको टीएस डायग्राम बनाना ही है, ठीक है। तो दिस इज योर टीएस डायग्राम, ठीक है। पहले मैं बनाता हूं सिंपल वीसीआरएस साइकिल। तो सिंपल वीसीआरएस साइकिल देखिए क्या होती है, सिंपल वीसीआरएस साइकिल कुछ इस तरीके से होती है। सिंपल वीसीआरएस साइकिल बनाता हूं पहले मैं, सिंपल वीसीआरएस साइकिल कुछ ऐसे होगी, देखिए ऐसे, दिस इज योर सिंपल वीसीआरएस साइकिल। वन, ये ज्यादा इंक्लाइंड हो गया है, ऐसे ले लीजिए, टू टू डैश थ्री फोर, वन टू टू, टू टू थ्री, थ्री टू फोर, फोर टू वन। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कंडेंसर प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, कर दीजिए। कंडेंसर प्रेशर को मैंने इंक्रीज कर दिया है, दिस इज द न्यू प्रेशर लाइन ऑफ द कंडेंसर प्रेशर। कंडेंसर प्रेशर इंक्रीज कर दिया ना, ये क्या है, दिस इज द कंडेंसर प्रेशर। नाउ दिस इज द न्यू कंडेंसर प्रेशर पीसी डैश, समझ आ गया, बिल्कुल सा समझ आ गया, बना दीजिए डायग्राम। दिस इज द न्यू कंडेंसर प्रेशर, दिस इज द न्यू कंडेंसर प्रेशर, दिस इज द आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। सो टू डैश कहां चला जाएगा, ऊपर। टू डैश कहां चला, प्रेशर इंक्रीज हुआ ना तो टू डैश भी कहां गया, ऊपर। उसके बाद टू टू थ्री डैश, थ्री डैश भी चला गया ऊपर। अब आ जाओ आइसेंथेल्पिक एक्सपेंशन, दिस इज द फोर डैश। अब बाकी वो साइकिल बिल्कुल सेम है, ऐसी ये वाली वन पे चला जाएगा। अब सब कुछ यहीं से हो जाएगा, डायग्राम आपको बिल्कुल समझ आ गया, हाँ बिल्कुल समझ आ गया। सबसे पहले मैं बात करता हूं वर्क इनपुट की, वर्क इनपुट में क्या होगा, देखिए वर्क इनपुट, वर्क इनपुट में देखिए विदाउट इंक्रीज था टू टू वन, इंक्रीज करने के बाद टू डैश से वन, तो मतलब जो एच टू माइनस एच वन होगा इट विल बी लेस देन एच टू डैश माइनस एच वन, मतलब आपका वर्क इनपुट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। वर्क इनपुट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं बात करता हूं सेकंड रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की, किसकी, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। ये तो क्या था आपका पहले, ये था बाद में, तो बाद वाली वैल्यू ज्यादा है तो वर्क इनपुट ज्यादा है। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आइए, पहले कितना था एच वन माइनस एच फोर, एच वन माइनस एच फोर, बाद में कितना हुआ एच वन माइनस एच फोर डैश, एच वन माइनस एच फोर डैश, तो मतलब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो गया, डिक्रीज। इसे ऐसे ऐसे याद करना पड़ेगा, रटना नहीं है यहां पे, ठीक है। थर्ड, थर्ड में बात करता हूं सीओपी, सीओपी क्या होता है सर, सीओपी होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइड बाय वर्क इनपुट, बहुत ही सिंपल है। देखिए अगर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिक्रीज होता है तो सीओपी डिक्रीज होगी ही होगी, अगर वर्क इनपुट इंक्रीज होता है तो सीओपी डिक्रीज होगी ही होगी, मतलब सीओपी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। सीओपी क्या हो जाएगी,
डिक्रीज हो जाएगी। कम टू द फोर्थ पॉइंट, दैट इज योर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला है? 1 प्लस सी माइनस सी मल्टीप्लाई विद पी सी डिवाइड बाई पी 1 बाय एन। अब क्या इंक्रीज हुआ है? देखिए, आपका इंक्रीज हुआ है पी सी। पी सी इंक्रीज होने से नेगेटिव वाली वैल्यू इंक्रीज होगी। पीसी इंक्रीज होने से नेगेटिव वाली वैल्यू इंक्रीज होगी, और अगर नेगेटिव वाली वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो ज्यादा नेगेटिव वाली वैल्यू डिक्रीज करेंगे हम, उसमें से माइनस करेंगे। तो ज्यादा नेगेटिव वाली वैल्यू को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी डिक्रीज हो जाएगी। अगर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी डिक्रीज होती है, सो व्हाट इज द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी? वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इज एक्चुअल वॉल्यूम फ्लो रेट डिवाइड बाय थियोरेटिकल। तो अगर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी डिक्रीज होती है तो एक्चुअल वॉल्यूम फ्लो रेट डिक्रीज होगा, और अगर एक्चुअल वॉल्यूम फ्लो रेट डिक्रीज होता है तो एम डॉट इनटू वी एंट्री मास फ्लो रेट डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा क्या? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। ठीक है, तो ऐसे करके आपको पैरामीटर्स पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि इफ इंक्रीज द कंडेंसर प्रेशर देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द सीओपी, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन द वर्क इनपुट एंड व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। इन सभी को विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आप आसानी से समझ सकते हो। यहां तक आई होप आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी, बिल्कुल आसान है। इफ वी इंक्रीज द कंडेंसर प्रेशर देन दीज इफेक्ट विल बी प्रोड्यूस ऑन योर सिंपल VCRS साइकिल। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल सर क्लियर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रेशर। अब मैं आपको नेक्स्ट इफेक्ट बताने जा रहा हूं, और उस नेक्स्ट इफेक्ट में क्या है? अगर हम कंडेंसर प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो ठीक इसका अपोजिट होगा। ठीक इसका क्या होगा? अपोजिट होगा। तो वो मैं नहीं लिखवाऊंगा, मैं सिर्फ आपको इंक्रीज का बताऊंगा, तो उसका आपको अपोजिट कर देना है। किसके लिए? डिक्रीज के लिए। किसके लिए कर देना है? डिक्रीज के लिए कर देना है। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूं इवेपोरेटर प्रेशर के लिए। किसके लिए? इवेपोरेटर प्रेशर के लिए, पीई के लिए। ठीक है, जो आपका नेक्स्ट पैरामीटर है, जो आपका सेकंड पॉइंट है, इफ इवेपोरेटर प्रेशर डिक्रीजेस। कंडेंसर प्रेशर को तो हमने इंक्रीज किया था, अब मैं देखने वाला हूं इवेपोरेटर प्रेशर को डिक्रीज करने से क्या होगा। इवेपोरेटर प्रेशर को डिक्रीज करने से क्या होगा? तो बनाना है हमें क्या? टीसी डायग्राम नहीं, टीएस डायग्राम। क्या बनाना है? टीएस डायग्राम बनाना है। तो पहले आप बना लीजिए, जो सिंपल आप जो यूज में लेते हो साइकिल, वो बना लीजिए। बना लिया है? बिल्कुल सर बना लिया है। ठीक है, दिस इज द पॉइंट नंबर 1। ये वापस थोड़ा ऊपर हो गया। ठीक है, दिस इज द पॉइंट नंबर 1, 2, 2-3-4। अब तो बना ही लिया होगा आपने, ऐसे नहीं आता है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन सा लग रहा होगा आपको, ये थोड़ा ऐसे आता है। सो दिस विल बी 4। ये क्या है आपका? ये है कंडेंसर प्रेशर, ये क्या है आपका? इवेपोरेटर प्रेशर। इवेपोरेटर प्रेशर को हम क्या कर रहे हैं? डिक्रीज। इवेपोरेटर प्रेशर को हम क्या कर रहे हैं? डिक्रीज। कर दीजिए डिक्रीज। तो इवेपोरेटर प्रेशर को हमने कर दिया डिक्रीज। क्या कर दिया? डिक्रीज कर दिया। तो देखिए, जब हम इवेपोरेटर प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा? जब हम इवेपोरेटर प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो ये लाइन कुछ ऐसे आएगी। सो दिस विल बी योर 4-, और यहां से होगा आपका कंप्रेशन। सो दिस विल बी द कंप्रेशन, दिस विल बी द कंप्रेशन। यहां तक होगा आपका कंप्रेशन। सो दिस विल बी योर 1-, दिस विल बी योर 2-, यहां होगा 1, यहां होगा आपके ये वाला 2। बिल्कुल सेम। अब वैसे ही हमें देखना है जैसे हमने पिछले में देखा था। सबसे पहले हम किसको देखते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं वर्क इनपुट को। तो सबसे पहला इफेक्ट क्या होगा? वर्क इनपुट क्या होगा आपके? वर्क इनपुट। वर्क इनपुट पहले क्या था? H2 - H1। अब क्या है? H2 - H1-। तो ज्यादा कौन सा है? अब वाला है। तो मतलब वर्क इनपुट क्या हो जाएगा यहां पे? इंक्रीज हो जाएगा। बिल्कुल इजी है। अब तो आप ही बता देंगे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पहले कितना था? H1 - H4। H1 -
एच फोर, अब कितना है एच वन डैश माइनस एच फोर डैश, ठीक है, ये जरा सा इधर खिसका है लेकिन इधर से बहुत ज्यादा खिसका है, समझ गए ना, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो जाएगा डिक्रीज, पहले ज्यादा था अब कम है तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो जाएगा डिक्रीज, बना के देख लेना समझ में आ जाएगा। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड नंबर सीओपी, व्हाट इज सीओपी सर, सीओपी इज द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइड बाय वर्क इनपुट, सर इफ द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिक्रीजेज एंड द वर्क इनपुट विल बी इंक्रीजेज देन द सीओपी विल बी डिक्रीजेज, इजी है, बिल्कुल सर इजी है। कम टू द फोर्थ पॉइंट, दैट इज योर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, व्हाट इज वन प्लस सी माइनस सी मल्टीप्लाई विद पी सी डिवाइड बाय पी रेज टू पावर वन बाय एन, पी क्या हो रहा है डिक्रीज, अगर पी डिक्रीज हो रहा है तो ये वाली वैल्यू नेगेटिव वाली वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और जब नेगेटिव वाली वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो जब हम उसको पॉजिटिव में से डिडक्ट करेंगे तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। सर ये तो आपने पिछला ही छाप दिया बिल्कुल जो इफेक्ट आ रहा है, हाँ वही है, अगर हम इवेपोरेटर प्रेशर को इंक्रीज करें या फिर कंडेंसर प्रेशर को हम डिक्रीज करें, ऐसा था क्या, बिल्कुल नहीं, आपका ध्यान ही कहीं और है, बोर्ड में देखो अभी मैंने कौन सा इफेक्ट बताया है, अगर हम इवेपोरेटर प्रेशर को डिक्रीज करें और कंडेंसर प्रेशर को इंक्रीज करें तो दोनों के इफेक्ट क्या होंगे सेम, हाथों पे मत जाया करो, ठीक है, इवेपोरेटर प्रेशर को डिक्रीज करें कंडेंसर प्रेशर को इंक्रीज करें तो दोनों के इफेक्ट क्या होंगे सेम, तो ये आप नोट डाल के लिख सकते हो कि इफ वी डिक्रीज द इवेपोरेटर प्रेशर एंड इंक्रीज द कंडेंसर प्रेशर देन द इफेक्ट ऑन द वीसीआरएस सिस्टम विल बी द सेम, क्या क्या होगा, वर्क इनपुट इंक्रीज हो जाएगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिक्रीज हो जाएगा और साथ ही साथ सीओपी भी डिक्रीज हो जाएगी, सीओपी डिक्रीज होगी मतलब हाई कॉस्ट, सीओपी डिक्रीज मतलब हाई कॉस्ट, और वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। अब मैं नेक्स्ट पैरामीटर पर आने वाला हूं, दैट इज योर सुपर हीटिंग, ठीक है, अब मैं सुपर हीटिंग पर आने वाला हूं, सुपर हीटिंग में हम क्या करते हैं कॉन्स्टेंट प्रेशर पर हीट एडिशन करते हैं, कॉन्स्टेंट प्रेशर पर हीट एडिशन करते हैं और आपका जो रेफ्रिजरेंट होता है वो सुपर हीटेड स्टेट में चला जाता है, सुपर हीटिंग हम करते हैं एट द एंट्री ऑफ द कंप्रेसर या फिर एग्जिट ऑफ द इवेपोरेटर, यानी हम इवेपोरेटर में ही क्या करते हैं सुपर हीटिंग करने की कोशिश करते हैं, क्या करते हैं सुपर हीटिंग करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सुपर हीटिंग में क्या होता है, जो नेक्स्ट है आपका थर्ड नंबर पॉइंट, थर्ड नंबर पॉइंट है आपका सुपर हीटिंग, सो दिस विल बी द सुपर हीटिंग, काफी अच्छा पॉइंट है ये, देखिए सुपर हीटिंग में क्या होगा, सुपर हीटिंग में आप सुपर हीटिंग जोन में चले जाओगे, सुपर हीटेड जोन में, सुपर हीटेड रीजन में चले जाओगे, ठीक है, सो दिस इज योर टीएस डायग्राम, सर टीएस डायग्राम का ही खेल है कि नहीं, बिल्कुल सर, सिंपल बना लो एक बार, हाँ सर सिंपल बना लिया है, ये लीजिए ये एक सिंपल सा है, ठीक है ये लीजिए, दिस इज योर वन टू टू डैश, ठीक है, अपनों ने बाकी पीछे में वो टू डैश ले लिया है तो आप वो देख लीजिएगा, उसको थोड़ा गौर कर लीजिएगा, थ्री एंड फोर, ठीक है, यहाँ पर जो टू डैश लिया है ना वो आप रब कर दीजिएगा, ठीक है, टू डबल डैश कर दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, तो वन टू थ्री एंड फोर। अब मैं क्या कर रहा हूँ सुपर हीटिंग, सुपर हीटिंग देखिए प्रेशर लाइन कैसे होती है, कुछ इस तरीके से होती है, कुछ इस तरीके से होगी और ये ऐसे ऊपर जाएगा, ऐसे ऊपर जाएगा, ये भी प्रेशर लाइन ऐसे ऊपर जाएगी, दीज आर डाइवर्जिंग इन नेचर, ये पता होगा आपको टीएस डायग्राम में सुपर हीटेड रीजन में प्रेशर लाइन डाइवर्ज होती है, प्रेशर लाइन क्या होती है डाइवर्ज होती है, नहीं पता तो याद रख लीजिए। अब हमने क्या कर दी, इसकी सुपर हीटिंग कर दी, और सुपर हीटिंग कहां तक कर दी, वन डैश तक कर दी, तो ये हमने कर दिया है सुपर हीट, क्या कर दिया है सुपर हीट, सो दिस विल बी यहां तक कर लिया वन डैश, और अब हमने किया है इसका आइसेंट्रोपिक कॉम्प्रेशन, सो दिस विल बी टू डैश, दिस विल बी टू डैश, अब ये ऐसे आएगा, इस प्रोसेस से होते हुए जाएगा, ठीक है, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखिए अब हम बात करते हैं सबसे पहला वर्क इनपुट की,
अब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट यहां से यहां होगा, ये वाला पार्ट होगा आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। जब हम एवोपरेटर में सुपर हीटिंग करते हैं तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है। तो वर्क इनपुट विल बी, यहां से आप डायग्राम देख के बता दीजिए, अब मैं पूरा नहीं लिखने वाला हूं, वर्क इनपुट विल बी इंक्रीजेस। सेकेंड, अगर मैं बात करता हूं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पहले इतना सा था, अब इतना हो गया है, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट विल ऑल्सो इंक्रीजेस। थर्ड इफेक्ट, सीओपी, सीओपी, सीओपी पर क्या इफेक्ट आएगा? सीओपी क्या होती है सर? सीओपी होती है आपकी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइड बाय वर्क इनपुट। सर दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है तो सही है? इट कांट बी डिटरमाइंड, इट कांट बी डिटरमाइंड। ठीक है, तो जब हम सुपर हीटिंग करते हैं ना तो हमें पता नहीं चलता है सीओपी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ये एब्सोल्यूट वैल्यू पर डिपेंड करता है कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना इंक्रीज हुआ और वर्क इनपुट कितना इंक्रीज हुआ, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लेकिन सर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे? एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो अगर मैं लेता हूं अमोनिया, तो अमोनिया के केस में जो सीओपी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। तो अमोनिया केस में सीओपी डिक्रीज है तो R12 के केस में, R12 के केस में सीओपी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। वैसे नहीं पूछेगा, ये बहुत ही ज़्यादा डीप में चले जाएंगे तब पूछेगा, बहुत ही मतलब उसको क्वेश्चन ही नहीं मिल रहे हैं, क्वेश्चन बनाना है तब ये पूछ सकता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ऐसा भी ऑप्शन आपको टिक करने को मिल सकता है कि सीओपी कैन नॉट बी डिटरमाइंड विल बी इंक्रीज और डिक्रीज। हम इसका बता नहीं सकते हैं कि जब तक हमारे पास रेफ्रिजरेशन इफेक्ट और वर्क इनपुट की वैल्यू होगी तब तक हम नहीं बता सकते हैं कि सीओपी पर क्या इफेक्ट आने वाला। लेकिन यहां पर मैं बता सकता हूं, यहां पर मैं बता सकता हूं कि वर्क इनपुट इंक्रीज होगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इंक्रीज होगा, लेकिन कितना इंक्रीज हुआ है उस पर डिपेंड करता है कि सीओपी की वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज। इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। इंक्रीज होगी आपके R12 के केस में और डिक्रीज किस में होगी? आपके R नहीं, अमोनिया के केस में। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यहां पर हाथों पर मत जाइए। तो वर्क इनपुट क्या होगा? इंक्रीज, ये मैं नीचे ले जा रहा हूं। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होगा? इंक्रीज। सीओपी क्या हो सकती है? इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो अब सुपर हीटिंग अगर हो चुका है तो सुपर हीटिंग अगर पूछे तो ये कहां करते हैं? ये हम करते हैं इवेपोरेटर में। इवेपोरेटर में हम क्या करते हैं? सुपर हीटिंग करते हैं। कोई भी अगर क्वेश्चन आता है, मैं पहले ही बता रहा हूं आपको, टीएस डायग्राम बनाकर ही सॉल्व करना, रटने की कोशिश मत करना। ठीक है, याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो आप डायग्राम बना के ही करना, फ्री का नंबर हाथ से नहीं जाना चाहिए। अब मैं आपको बताने वाला हूं सब कूलिंग के बारे में। किसके बारे में? सब कूलिंग के बारे में। तो देखिए सब कूलिंग में क्या होता है, सब कूलिंग में क्या करेंगे हम? सब कूल कर देंगे, जैसे सुपर हीट में सुपर हीट किया था, सब कूलिंग में हम सब कूल कर देंगे। और सब कूल हम किसके बाद करते हैं या किससे पहले करते हैं वो हम देखेंगे टीएस डायग्राम में। जो आपका फोर्थ इफेक्ट है दैट इज योर सब कूलिंग, दैट इज योर सब कूलिंग। ठीक है, सब कूलिंग में क्या होगा? देखिए वही हमें बनाना पड़ेगा टीएस डायग्राम। कौन सा डायग्राम बनाना पड़ेगा? टीएस डायग्राम बनाना पड़ेगा। बना दीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसमें डोम बना दीजिए, एक जो सिंपल आप जो यूज में लेते हो पहले वो बनाइए। वो बनाने के बाद आप ये वर्क इनपुट बना दीजिए, 1 2 3 4 लीजिए 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 ले लीजिए। ठीक है, ये आपका क्या है? कंडेंसर प्रेशर, ये है इवेपोरेटर प्रेशर। हम इसमें हम डील करने वाले नहीं हैं, हम डील करने वाले हैं सब कूलिंग में। तो सब कूलिंग में क्या होगा? कॉन्स्टेंट प्रेशर पर हम इसकी कूलिंग करेंगे, कॉन्स्टेंट प्रेशर पर हम इसकी क्या करेंगे? कूलिंग करेंगे। तो ये हमने कर दी इसकी कूलिंग। कूलिंग करने के बाद वापस इसका क्या होगा? आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन। सो दिस विल बी योर 3-, दिस विल बी योर 4-। यहां देखिए, यहां अच्छी चीजें आने वाली है। यहां आपको चीज याद रखनी पड़ेगी, पहला तो है वर्क इनपुट। क्या वर्क इनपुट पर कोई इफेक्ट आया? वो तो पहले ही वही था। तो इसमें जो चेंज है इसमें यहां लिख सकता हूं नो चेंज, वर्क इनपुट में नो चेंज। अगर मैं बात करता हूँ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, पहले इतना सा था अब बढ़ गया, पहले कम था अब ज़्यादा हो गया, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट विल बी इंक्रीज्ड।
रेफ्रिजरेशन इफेक्ट विल बी इंक्रीज. नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज योर सीओपी. सीओपी क्या होता है? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइड बाय वर्क इनपुट. अगर आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है तो माय डियर फ्रेंड्स सीओपी भी क्या होगी? इंक्रीज. सीओपी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी. तो आई होप यहां तक आपको जो डिफरेंट पैरामीटर्स अगर हम उसको चेंज करते हैं तो VCRS के जो भी डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हैं जैसे वर्क इनपुट, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी या फिर सीओपी, उन पर क्या क्या इफेक्ट होते हैं उसके बारे में हमने यहाँ तक डील कर लिया है. आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ चुका होगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज योर फ्लैश चैम्बर. फ्लैश चैम्बर क्या होता है उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ कि फ्लैश चैम्बर क्या होता है. फ्लैश चैम्बर देखिए, फ्लैश चैम्बर होता है आपका एट द एंट्री ऑफ द इवेपोरेटर. ठीक है, यहां से एक सिंपल सा क्वेश्चन आएगा लेकिन वो क्या आएगा वो हमें पता होना चाहिए. फ्लैश चैम्बर ऐसा नहीं है उसमें फ्लैशिंग होती होगी, कुछ नहीं, एक सिंपल सा चैम्बर होता है ऐसा. ठीक है, ये होता है आपका कहां से आ रहा होता है बताइए, बताइए, थ्रोटलिंग से. ये कहां जा रहा होता है? ये ऑपरेटर में. ये वाला कौन सा पॉइंट है बताइए? ये वाला पॉइंट है सर फोर. ये वाला पॉइंट भी कौन सा है? फोर. मतलब हमने ऑपरेटर की एंट्री पर फ्लैश चैम्बर लगाया है. अब देखिए ध्यान से, थ्रोटलिंग, थ्रोटलिंग, थ्रोटलिंग के बाद जो फोर्थ नंबर पॉइंट होता है वो वेट रीजन में होता है. मतलब क्या होगा सर? उसमें आपका लिक्विड रेफ्रिजरेंट भी होगा और वेपर रेफ्रिजरेंट भी होगा. लिक्विड रेफ्रिजरेंट भी होगा और वेपर रेफ्रिजरेंट भी होगा. तो मतलब ये क्या करेगा फ्लैश चैम्बर? इट विल सेपरेट द लिक्विड रेफ्रिजरेंट एंड अ वेपर रेफ्रिजरेंट. ये दोनों को क्या कर देगा? सेपरेट. वेपर ऊपर आ जाएगा, लिक्विड नीचे आ जाएगा और आपके इवेपोरेटर में ओनली कौन जाएगा? लिक्विड रेफ्रिजरेंट. वेपर नहीं जाएगा, ओनली कौन जाएगा? लिक्विड रेफ्रिजरेंट. तो जब अंदर लिक्विड रेफ्रिजरेंट जाएगा तो हीट का अच्छे से एब्जॉर्प्शन होगा, लेटेंट हीट का अच्छे से एब्जॉर्प्शन हो जाएगा. लेकिन अगर वेपर चला गया तो लेटेंट हीट का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा. तो हीट का अच्छे से एब्जॉर्प्शन होने के लिए, सिस्टम से हीट को अच्छे से बाहर निकालने के लिए एवोपरेटर में हम क्या चाहते हैं कि ओनली लिक्विड रेफ्रिजरेंट जाए. और वो बाहर कैसे निकले? सुपर हीटेड निकले चाहे सैचुरेटेड निकले, वो हम अभी कोशिश नहीं कर रहे. अब हम सिर्फ यही कोशिश कर रहे हैं कि अंदर लिक्विड जाए. अंदर लिक्विड जाने का मतलब है कि लेटेंट हीट होगी ना, उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे तरीके से हो जाएगा और आपका लिक्विड रेफ्रिजरेंट वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा. लेकिन अगर वेपर अंदर चला जाएगा तो हीट का एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो पाएगा और जब हीट का एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो पाएगा तो आपका सिस्टम अच्छे से वर्क नहीं करेगा. तो फ्लैश चैम्बर का क्या काम होता है? वेपर रेफ्रिजरेंट और लिक्विड रेफ्रिजरेंट को सेपरेट करना और ये इंश्योर करना कि एवोपरेटर में ओनली कौन जाए? लिक्विड रेफ्रिजरेंट जाए. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द फ्लैश चैम्बर. नाउ द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, इफ वी यूज फ्लैश चैम्बर देन व्हाट विल बी the effect on COP. इसका आंसर आपको सभी को देना है, लिख लेना आंसर. हालांकि सबका आंसर आ चुका होगा, इंक्रीज, डिक्रीज, कांट बी डिटरमाइंड और कुछ ऐसे भी होंगे कॉन्स्टेंट वाले. अगर हम फ्लैश चैम्बर यूज करते हैं तो सीओपी पर क्या इफेक्ट आता है बताइए माय डियर फ्रेंड्स. सर कुछ स्टूडेंट होंगे, सर लिक्विड जा रहा है तो सीओपी इंक्रीज हो जाएगा. कुछ स्टूडेंट होंगे कि सर इंक्रीज ही होता तो सर क्वेश्चन ही क्यों पूछते, डिक्रीज होना चाहिए. कुछ ऐसे वाले भी होंगे, कांट बी डिटरमाइंड, सर ने कुछ पहले कांट बी डिटरमाइंड जैसा बताया था तो ये हो सकता है. कुछ ऐसे होंगे कॉन्स्टेंट वाले. तो भैया जिन जिन का इंक्रीज आया है ना वो सभी गलत है. जिनका डिक्रीज आया है वो भी गलत है. अब खुश हो गए होंगे कि सर अब तो पक्का कांट भी डिटरमाइंड होगा. तो भैया आंसर तो कॉन्स्टेंट है.
सीओपी पर कोई भी इफेक्ट नहीं आता, ना सीओपी इंक्रीज होगी ना सीओपी डिक्रीज होगी, जितनी है उतनी ही रहेगी। तो जो फ्लैश चैम्बर होता है उसका सीओपी पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। तो ये चीज आपको क्या रखनी है यहाँ पर फ्लैश चैम्बर के रिस्पेक्ट में याद रखनी है। आई होप यहाँ तक आपको ये चीजें बिल्कुल समझ आ चुकी होगी। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। नाउ कम टू द यूज ऑफ द हीट एक्सचेंजर। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि हीट एक्सचेंजर का हम यूज करते हैं VCRS में, वो हम कैसे करते हैं। देखिए हीट एक्सचेंजर का हम यूज कैसे करते हैं, देखिए हीट एक्सचेंजर, देखिए हीट एक्सचेंजर हम कहां यूज करते हैं। हीट एक्सचेंजर हम यह इंश्योर करने के लिए यूज करते हैं कि आपका जो कंप्रेसर का जो इनलेट है वहां पर सुपर हीटेड रेफ्रिजरेंट हो। कैसा हो? सुपर हीटेड रेफ्रिजरेंट हो। तो देखिए ध्यान से देखिएगा इस डायग्राम को और फिर उसके बाद आपको आंसर देना है। जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से आपको सुनना है, नहीं सुना ना गड़बड़ हो जाएगी। दिस इज योर कंडेंसर, ठीक है? अब देखिए ध्यान से सुनना है चीजों को, अगर ध्यान से नहीं सुना तो गड़बड़ होने वाली है और ऐसी गड़बड़ होगी झोल कर दोगे क्वेश्चंस में। ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से, ठीक है? डायग्राम थोड़ा सा टिपिकल सा नजर आएगा लेकिन इतना भी टिपिकल नहीं है जितना आप सोच रहे हो। ऐसा डायग्राम होगा कुछ, देखिए अब मैं पॉइंट मार्क कर रहा हूं। इट इज द एंट्री ऑफ द कंप्रेसर वन, एग्जिट ऑफ द कंप्रेसर टू, ठीक है? तो वर्क इनपुट क्या होगा बताइए। H2 - H1 किलो जूल पर केजी। टू इज द एंट्री ऑफ द कंडेंसर, सो दिस इज द पीसी, एंड थ्री इज द एक्सिट ऑफ द कंडेंसर। थ्री इज द एक्सिट ऑफ द कंडेंसर। तो कंडेंसर की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें क्या होगा बताइए, H2 - H3। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। सर ये जो नीले नीले बनाए हैं ये होंगे कहाँ? अरे हीट एक्सचेंजर में होंगे। थ्री के बाद जो फोर आएगा 5 और यहां 6। थ्री से जो फोर होगा और 6 से जो 1 होगा ये आपका हीट एक्सचेंजर में होगा। कहाँ होगा? हीट एक्सचेंजर में। तो अब मैं देखिए मैं यहां लिख रहा हूं हीट एक्सचेंजर H3 - H4 इक्वल्स टू H1 - H6। आया समझ? ये दोनों होंगे आपके हीट एक्सचेंजर में। कहां होंगे? हीट एक्सचेंजर में। कैसे होंगे? एक हीट एक्सचेंजर देखो सिंपल सा समझ लीजिए, हीट एक्सचेंजर में क्या है, ये ऐसा होगा 3 - 4 येलो 3 येलो 4 और 6 - 1, तो यहां कहीं भी 6-1 ले लो, काउंटर फ्लो पैरेलल फ्लो हो सकता है, ठीक है? तो मतलब ये दोनों हीट एक्सचेंजर में होंगे, जो 3 - 4 है आपका कंडेंसर में नहीं होगा। अभी समझा रहा हूं आप सभी को, अच्छा लग रहा हो कि हाँ सर याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब न्यूमेरिकल करोगे ना तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ध्यान से यहां पर हीट एक्सचेंजर स्पेशली क्वेश्चन बेस्ड ऑन द हीट एक्सचेंजर, वहां पर हमें बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है। 6 - 1 आपका इवेपोरेटर में नहीं होगा, हीट एक्सचेंजर में होगा। सो दिस विल बी योर हीट एक्सचेंजर। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट हीट एक्सचेंजर में पता चल गया कि कहां से कहां है। अब अगर मैं बात करता हूं थ्रोटलिंग की, थ्रोटलिंग बताइए कहां है? अब तो आप खुद बता देंगे सर, थ्रोटलिंग तो है 4 - 5 में, सो थ्रोटलिंग विल बी 4 - 5 एंड H4 = H5। थ्रोटलिंग में एंथैल्पी क्या रहेगी? कांस्टेंट। टीएस डायग्राम है, ठीक है? अब बात करते हैं उसके बाद इवेपोरेटर की, ठीक है? इवेपोरेटर कहां से होगा? 5 - 6 यहीं तक है, इसके बाद हीट एक्सचेंजर में चला गया। यहां तक इवेपोरेटर में था, इसके बाद हीट एक्सचेंजर में चला गया, और हीट एक्सचेंजर में जाने के बाद सुपर हीटेड होकर कंप्रेसर में गया है। तो इवेपोरेटर में कहां है आपका? H6 - H5, ध्यान रखना ये। और यही हमें क्या मिल रहा है? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। ध्यान रखना ध्यान रखना ध्यान रखना, 3-4 बार पढ़ लेना, 3-4 बार, ये 5-6 मिनट का सेशन है, देख लेना,
गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज योर हीट एक्सचेंजर। नाउ वी विल डू सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर रेफ्रिजरेशन प्रोसेस, ठीक है। तो अब हम कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं, वो क्वेश्चन क्या है देखिए। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आपका, ए रेफ्रिजरेंट ऑपरेटिंग ऑन सिंपल VCRS हैविंग फॉलोइंग डाटा। एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आपका, उसने दे रखा है कि एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम है जो कि सिंपल VCRS पर ऑपरेट हो रहा है। तो जब वो सिंपल VCRS पर ऑपरेट हो रहा है तो उसके लिए उसने कुछ फॉलोइंग डाटा दे रखे हैं, और वो डाटा क्या क्या है देखिए। डाटा में लिखता हूं आपको, COP की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, और जब भी डाटा गिवन हो आपको TS डायग्राम बनाना है। TS डायग्राम आपको बताना है, सिंपल VCRS दे रखा है तो सिंपल VCRS बना दीजिए। दिस इज योर सिंपल VCRS। ये कभी भी कंप्लीट लाइन मत बनाना, कंटिन्यूअस लाइन, सॉलिड लाइन ही बनाना है। 1, 2, 3, 4। अब क्या डाटा दे रखा है, एंथैल्पी एट द आउटलेट ऑफ कंडेंसर। कंडेंसर के आउटलेट पर जो एंथैल्पी है H3 विल बी इक्वल्स टू 80 kJ/kg। सो दिस विल बी 80 kJ/kg एंड दिस इज इक्वल्स टू H4। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एंथैल्पी एट द आउटलेट ऑफ इवेपोरेटर। एंथैल्पी एट द आउटलेट ऑफ द इवेपोरेटर क्या है, ये H1। H1 कितनी दे रखी है उसने, दे रखी है 180 kJ/kg, 180 kJ/kg। फिर दे रखा है एंथैल्पी एट द इनलेट ऑफ द कंडेंसर। इनलेट ऑफ द कंडेंसर इज 2, सो H2 इज गिवन एज ए 210 kJ/kg, 210 kJ/kg, एंड इट इज आस्किंग द वैल्यू ऑफ द COP, दैट इज द डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइड बाय वर्क इनपुट। बिना डायग्राम बनाए कितना भी सिंपल क्वेश्चन हो सॉल्व नहीं करना है, आपको प्रॉमिस है मेरा। डिजायर्ड इफेक्ट का हमें कहाँ मिल रहा है, 1 और 4 के बीच में, 1 और 4 के बीच में ये रहा, ठीक है। तो डिजायर्ड इफेक्ट इज H1 - H4 डिवाइड बाय वर्क इनपुट क्या है, H2 - H1। वैल्यू पुट करो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैल्यू पुट करो, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इजी बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, क्लियर है। हाँ सर, यहाँ तक क्लियर है, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। बाकी क्वेश्चन हम करने की कोशिश करते हैं, डायग्राम बेस्ड पर कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं देखिए। आपको TS डायग्राम देके PH डायग्राम पूछा जा सकता है, TS डायग्राम देके PH डायग्राम पूछा जा सकता है। बहुत ही सिंपल है, एक डायग्राम बताऊंगा, बाकी दोनों डायग्राम आपको खुद को बनाने हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि उसका आंसर क्या होता है, ठीक है। तो देखिए मैं बनाता हूं TS एंड PH डायग्राम ऑफ वेपर कंप्रेशन साइकिल। अगर मैं बात करता हूं सिंपल VCRS की, तो देखिए ये सिंपल VCRS कुछ इस तरीके से होता है आपका, 1, 2, 3, 4, दिस इज T, दिस इज S, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस जिसमें वर्क कंज्यूम होता है, दिस इज योर TS डायग्राम। अगर मैं इसका PH डायग्राम बनाऊं, दिस इज योर P, दिस इज योर H। पहली चीज तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि ये सैचुरेशन कर्व जो होता है वो डोम नहीं होता है। यहां पर सैचुरेशन कर्व कुछ अलग ही तरीके से नजर आता है, लाइक दैट। अब कुछ नहीं करना है, बस पॉइंट मार करने हैं। वन पॉइंट कहां पर है सर, 1 पॉइंट है सैचुरेशन कर्व पर, बना दीजिए, दिस इज योर 1 पॉइंट। 3 पॉइंट कहां है सर, सैचुरेशन पर है, बना दीजिए। बस 2 to 3 में क्या है, प्रेशर कॉन्स्टेंट, लो सर प्रेशर कॉन्स्टेंट। 4 to 1 में क्या है, प्रेशर कॉन्स्टेंट, आइसेंथेल्पिक, प्रेशर कॉन्स्टेंट, आइसेंट्रोपिक। सो दिस इज योर 1, 2, दिस इज योर 1, दिस इज योर 2। अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट है, ये 2', सो दिस विल बी 2', दिस विल बी 3, दिस विल बी 4। पीएच डायग्राम, कॉन्स्टेंट प्रेशर, कॉन्स्टेंट प्रेशर, कॉन्स्टेंट प्रेशर, कॉन्स्टेंट प्रेशर। यहां पर ये आइसेंट्रोपिक है, तिरछा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एच है, तो एच कॉन्स्टेंट किसमें है, 3 to 4 प्रोसेस में कॉन्स्टेंट है, ठीक है। सो दिस इज TS एंड PH डायग्राम। अब हम बात करते हैं सुपर हीटिंग और सब कूलिंग की बात करते हैं। देखिए अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले सुपर हीटिंग की, सो दिस इज योर TS डायग्राम। कौन सा डायग्राम है, TS डायग्राम ऐसा बनता है, बिल्कुल सर ऐसा बनता है, ऐसे बनता है, ऐसे नीचे जाते हैं, इधर आते हैं, ऊपर जाते हैं, फिर हम ऐसे आते हैं। सो दिस विल बी 1, 2, 2-3, 4,
फाइव, टू डैश मत लीजिए, थ्री ले लीजिए, फोर फाइव सिक्स। अब बनाना है पीएस डायग्राम, जल्दी से वीडियो पॉज करके बनाओ और उसके बाद मैच करना कैसा बन रहा है। पीएस डायग्राम तिरछा होगा ये, लो तिरछा बना दिया हमने इसको, दो कांस्टेंट प्रेशर लाइन बना दो, लो बना दी सर। अब ये वन पॉइंट कहां चला गया, सुपर हीटेड में, तो वन पॉइंट यहां आ गया, लो वन टू थ्री फोर कांस्टेंट एथैल्पी, फाइव सिक्स। इजी है, बहुत इजी है, एक दो बार बनाओगे समझ आ जाएगा। सब कुलनिका बनाए, बोलिए या आपको होमवर्क दे, ठीक है बनाते हैं, सब कुलनिका भी बनाते हैं। कैसे बनेगा, दिस इज योर टीएस डायग्राम, टीएस डायग्राम बनाना आना चाहिए, ये मैं बार बार कहता आ रहा हूं। टीएस डायग्राम ही वीसीआरएस की क्या है, रूट है। सो दिस इज योर सब कुलिंग, अब मैं रफली बना रहा हूँ, वन टू थ्री फोर फाइव, ये आपका फाइव टू सिक्स है आइसेंथैल्पिक, ठीक है बन गया, बिल्कुल सर बन गया। देखिए यहाँ बना दीजिए आप पीएस डायग्राम, क्या बनाना है, पहले तिरछा सा बना दो, एक कांस्टेंट प्रेशर लाइन बना दो। अब देखो फाइव पॉइंट कहाँ है, सबकोल्ड रीजन में, सिक्स पॉइंट कहाँ है, वेट रीजन में, तो यहां से एक ऐसी लाइन खींचो ऐसे कि फाइव पॉइंट यहां हो, सिक्स पॉइंट यहां हो, उसके बाद वन पॉइंट तो यहां पर है, ये आपका हो जाएगा टू पॉइंट, ये थ्री पॉइंट, ये पॉइंट फोर। सो दिस इज योर पीएच डायग्राम। तो पीएच डायग्राम आप सारे डिफरेंट डिफरेंट जो हमने इफेक्ट पढ़े थे, जो सबकुल हो सकता है, सुपर हीट हो सकता है, कंडेंसर प्रेशर इंक्रीज हो, कंडेंसर प्रेशर डिक्रीज हो, उसके लिए सभी को आपको बनाना है। तो यहाँ तक आपका रेफ्रिजरेशन का जो वीसीआरएस का जो पार्ट है कंप्लीट होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।